हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुष्पेंद्र कुमार फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। स्टूडेंट्स, आवर सब्जेक्ट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग इन बीटेक सिक्स्थ सेमेस्टर ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। ओके स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक एटमोस्फेरिक स्टेट विंड। Because various gases absorb electromagnetic energy in specific wavelength. They strongly influence any given remote sensing system. These wavelengths range in which the atmosphere is particularly transmissive कई गैसें हैं जो क्या एब्जॉर्ब करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। इसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ्स में दे स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करती है वेयर वन कैन लुक स्पेक्ट्रली विथ एनी गिवन रिमोट सेंसिंग सिस्टम। दीज वेवलेंथ रेंज इन ये जो वेवलेंथ है इनकी रेंज इन विच जिसमें द एटमॉस्फेयर इज पर्टिकुलरली ट्रांसमिसिव एंड ट्रांसमिसिव आर रेफर्ड टू एज एटमोस्फेरिक विंडोज। इन दिस रिगार्ड वी यूजेज टू टर्म्स अब दो टर्म्स जो कौन कौन सी जो हम यूज करते हैं। पहले क्या है एटमॉस्फेरिक विंडोज
एटमॉस्फेरिक विंडोज एंड सेकंड एटमॉस्फेरिक लाइन। ठीक है, तो देखते रीजन ऑफ द EM spectrum in which the earth atmosphere is relatively transparent and observation of the surface from space is possible. The atmosphere must also emit radiation from Kirchhoff law. These wavelengths क्या हो गया अपना एटमॉस्फेरिक विंडोज, क्या है इसमें कि एटमॉस्फेरिक विंडो के रिगार्ड हम जो है दो टर्म्स का यूज करते हैं। दो टर्म कौन कौन सी, पहली जो टर्म है वो है अपने एटमॉस्फेरिक विंडोज एंड सेकेंड टर्म है वो है अपनी एटमॉस्फेरिक लाइन। यदि हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक विंडो की बात करते हैं तो रीजन ऑफ द EM स्पेक्ट्रम, ये रीजन है आर ई जी आई वेवलेंथ, रीजन ऑफ द क्षेत्र, इसका क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो रीजन है, जो क्षेत्र है जिसमें अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ सरफेस है इसका जो एटमॉस्फेयर है इज रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सरफेस फ्रॉम स्पेस इज पॉसिबल, और सरफेस का ऑब्जर्वेशन करना स्पेस से क्या होता है? पॉसिबल होता है। किसमें? एटमॉस्फेरिक विंडोज में। नेक्स्ट हम जो है बात करें एटमॉस्फेरिक लाइंस की, तो वेयर एट एब्जॉर्प्शन इज हाई, एब्जॉर्प्शन क्या है? हाई, द एटमॉस्फेयर मस्ट ऑल्सो इमिट रेडिएशन। एटमॉस्फेयर भी जो है रेडिएशन को क्या करना चाहिए? इमिट, मतलब उत्सर्जित करना चाहिए। किसके हिसाब से? किरचॉफ का नियम जो है वो क्या है कि जितनी भी आने वाली जो धारा है वो जाने वाली धाराओं का समेशन और आने वाली धाराओं का समेशन क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, दीज वेवलेंथ्स आर यूजफुल, तो ये जो वेवलेंथ है ये कैसी है? यूजफुल किसके लिए? फॉर एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑब्जर्व करने के लिए ये जो वेवलेंथ है ये क्या है? उपयोगी है। स्टूडेंट्स ये जो है अपना हो गया आज का एटमॉस्फेरिक विंडोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ सरफेस।
ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।